क्या हाल चले दोस्तों, आ गए कोर्निक कमाल की सोलो कॉन्क्वेस्ट की कोर्निक गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। फिलहाल आज की वीडियो में दो गेम प्ले होने वाले हैं और दोनों एक से बढ़ के एक है। एक चिकन वाला है और एक मतलब लास्ट में जो सरवाइव करके चिकन निकालता हूँ, तो वो दोनों ही गेम प्ले देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। फिलहाल अभी तो रोटेशन का टाइम था, पाँचवा जोन स्टार्ट होने को था, तो मैं आ जाता हूँ इस साइड, तो आगे के साइड वाले घर पर तो वहाँ पर एक बंदा होता है और स्क्वाड हाउस में मैं रुकता नहीं हूँ, तो आ जाता हूँ इस वॉच टावर में। अब यहाँ का पोजीशन तो मुझे मिल गया था ऑलमोस्ट, ये सेंटर के पास भी था, तो मैं डायरेक्टली ऊपर जाता नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैंप करके बैठ सकता है, तो थोड़ी देर में नीचे रुकता हूँ और फिर देखेंगे ऊपर जाके कि अपना क्या सीन बनता है। फिलहाल देखो यहाँ पे जैसे ही ऊपर आता हूँ तो स्क्वाड हाउस के पास एक यूएज आ जाती है, तो मैं सोचता हूँ कि चलो ये बंदा स्क्वाड हाउस में जाएगा तो बालकनी से दिखेगा, तो मैं उस पर स्प्रे लूँगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। वो बंदा पता नहीं क्या करता है, वहाँ पे नीचे की साइड ही रहता है, तो काफ़ी देर तक मैं वेट करता हूँ कि बंदा कहीं ओपन में आए तो यहाँ पे मैं किल उठाऊँ। हालांकि यहाँ तक तो अपने जीरो किल थे, तो यहाँ से देखो अपना किल कैसे निकलता है। फिलहाल तो यहाँ पे काफ़ी देर वेट करता हूँ, तो यहाँ पे वो बंदा दिखता नहीं है, तो मैं आ जाता हूँ पीछे के साइड। अब यहाँ से रोटेशन के लिए गाड़ियाँ निकल रही थी और तभी जो आगे के साइड जो दो घर होते हैं तो वहाँ पे एक व्हीकल टाइप की दिख रही थी मुझे, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो वहाँ पे कोई था नहीं और वो बंदा आ गया था और मुझे घर पर चलते हुए दिख गया था। तो अब देखो फिलहाल के लिए वो घर तो जोन में था, लेकिन उस बंदे को मतलब क्या ही चुल मची, वो शायद से और सेंटर की सोच रहा होगा क्योंकि नेक्स्ट जोन तो डेफिनेटली वहाँ से कटता ही, तो ये सोच के वो बंदा जंप करेगा और बग्गी लेके आएगा मेरे सामने से। तो यहाँ का स्प्रे देखना बस, बंदा जंप करता है और मैं सोचता हूँ कि इसकी बग्गी पलटी हुई है, बट पता नहीं कैसे निकल जाती है। अब वो बंदा देखो आता है मेरे साइड से और जैसे स्प्रे लेता हूँ तो वो बंदा रुक जाता वहाँ पे, हालांकि मैंने उसको तो किल कर दिया। फिलहाल यहाँ पे अपने अब जाके एक किल हुए थे और यहाँ तक तो अच्छा खासा गेम जा रहा था, और अच्छी बात ये थी कि ये वाला जोन भी अपने पे बन गया था। और तभी पीछे के साइड से एक और बग्गी निकलती है, तो वो बंदा तो दिखता नहीं है, तो मैं हालाँकि उस पर स्प्रे भी नहीं लेता। अब यहाँ पे एक डासिया वाला आ जाता है, तो उस पर मैं स्प्रे लेने की ट्राई करता हूँ, बट सीन क्या था यहाँ पे कि वो जो इतना बड़ा सा स्टोन है उसके पीछे रुक जाता है, तो ढंग से कुछ तो दिख नहीं रहा था। और उस बंदे के पास आई थिंक सो स्नाइपर था और काफ़ी देर तक पीक दे रहा था, अगर मैं यहाँ पे उठ के स्प्रे लेता तो मुझे निपटा देता ईजिली, तो मैं उसको इग्नोर करता हूँ और चला जाता हूँ पीछे जो स्क्वाड हाउस के पास जो इवेज है उसको देखने कि वो बंदा क्या पता जोन से निकल के आए बाहर तो मैं उसको मार सकूँ। बट वो बंदा भी यहाँ पे काफ़ी देर तक मैं वेट करता हूँ और दिखता नहीं है। अब यहाँ से कंटिन्यू यहाँ से रोटेशन के लिए गाड़ियाँ निकल रही थी और तब साउंड आता आगे की साइड से, बंदा दिखता है और इसे भी आराम से निपटा देते। फिलहाल यहाँ पे अपने दो किल हो गए थे और अब मैं पीछे की साइड जाता हूँ क्योंकि जो स्टोन वाला बंदा था वो बंदा भी निकल गया था, तो यहाँ पे इस साइड तो क्लियर हो ही गया था, तो मैं सोच रहा था कि क्या पता ओपन में बंदा दिखे कोई तो मैं उसको मारूँ। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि बंदा अभी मैं जिसको मार रहा हूँ वो बंदा किसी से फाइट ले रहा है, तो हो ना हो वो बंदा यहीं पर होना चाहिए, तो मैं एक बार चेक करता हूँ कि बंदा अगर दिख जाए तो उसको भी ईजिली किल कर दूँ। स्कोप खोल के चेक करता हूँ, बंदा दिख जाता है गन चेंज करते हुए, और भाई क्या ही मतलब ये बंदा मुझे डैमेज दिया था, एंड वाला बुलेट मेरा हेड लग गया तो इस वजह से बच गया मैं, वरना यहाँ पे अपनी पेटी बन सकती थी। फिलहाल इसको भी निपटा देते। अब जोन स्टार्ट होने में ऑलमोस्ट 40 के सेकंड के आसपास था, तो मुझे भी अब जोन में जाना था, तो मैं यहाँ पे एक स्मोक कर देता हूँ। मुझे लगा कि शायद अगर मेरे राइट में अगर ऐसा लेफ्ट में कोई बंदा हो तो वो मुझे मार सकता है, तो मैं एक अपनी सेफ्टी के लिए एक स्मोक कर देता हूँ रख के, क्या ही करता। फिलहाल यहाँ से देखो अब रोटेशन ज़रा यहाँ पे थोड़ा कह सकते हैं अपनी किस्मत यहाँ पे ख़राब थी। फिलहाल यहाँ पे रोटेशन लेता हूँ, एक बंदा लेटा हुआ दिखता है, इसको मारता हूँ। अब यहाँ पे ना जो भी 9 बंदे थे सारे के सारे यहीं पे थे, तो यहाँ पे मैं रुक नहीं सकता था, एक टाइम को सोचा था कि इस जो दीवार है वहाँ पर रुक जाओ, बट वहाँ पर स्प्रे आ रहे थे तो मैं आ जाता हूँ इस वाले ड्रॉप के कवर में। अब देखो ये जो बंदा था सामने के साइड जोन से आ रहा था, इसके पास था स्पाइडरमैन वाला वो वेब शूटर, तो फिलहाल के लिए इसको निपटा देते।
अब मुझे लग रहा था कि जो भी बंदे बचे हुए 7 बंदे तो वो आगे के साइड होंगे, बट सीन क्या था यहाँ पे कि मैं पीछे के साइड देखा ही नहीं था और नेड आता है एक। हालांकि नेड से तो बच जाता हूँ, बट पीछे वाला बंदा वहाँ पे मार देता है। हालांकि इसमें अपना अच्छा खासा प्लस हो गया था 26 का। फिलहाल बात करते हैं दूसरे वाले गेम प्ले की। तो इस गेम प्ले में अपने हम लोगों ने चिकन निकाला है। फिलहाल यहाँ का रोटेशन देखो, ऑलमोस्ट 5वां 6वां जोन था ये। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे सेंटर पे। यहाँ पे मैं सोचा था कि अगर होगा कोई तो फाइट ले लेंगे, तो फिलहाल फिर वैसे ही करता हूँ, ऊपर डायरेक्ट नहीं जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे कुछ भी मतलब कैंप भी हो सकता था। तो यहाँ पे मैं नेट का पिन खींच के चेक कर लेता हूँ कि अगर कोई ऊपर हो तो फुट स्टेप दे, बट यहाँ पे लकली कोई होता नहीं है तो अपनी फाइट भी नहीं होती। अब स्मोक किसी ने कर दिया था तो मुझे तो इतना पता चल गया था कि हाँ भाई आसपास कोई बंदा है। हालांकि फुट स्टेप या कुछ साउंड वगैरह तो आ नहीं रहा था, तो मैं बस चेक कर रहा था कि बंदा है तो है कहाँ। मुझे लग रहा था कि सामने वाले घरों पे बंदा हो सकता है, बट वहाँ पे नहीं था। अब मुझे साउंड आता है फायर करने, मतलब गन साउंड का। ये शेल्टर के ऊपर का आया था, अब मेरे मतलब लेफ्ट से आता है थोड़ा साउंड। तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि बंदा कहाँ पे, उसके पहले एक नेट रैंडम नेट करता हूँ, क्या पता बंदा वहाँ पे हो तो किल हो जाए। बट इस नेट से हालांकि कुछ होता नहीं है। अब कंटिन्यू फायर आ रहा था तो मैं सोचता हूँ कि चलो नीचे जाके चेक करते हैं बंदा कहाँ पे। तो मैं यहाँ पे काफ़ी देर तक इसका वेट करता हूँ, मतलब देखता हूँ। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि चलो यहाँ पे कोई साइड से निपटा देगा तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल घर में आता हूँ और जैसे ही घर में आता हूँ बंदा आ जाता है मेरे क्लोज। और भाई साहब मतलब क्या ही क्लोज मतलब फाइट था। यहाँ पे बच जाता हूँ 20 HP पे और इसको निपटा देते हैं। फिलहाल 7 बंदे बचे हुए थे। मैक्लेरन आती है आगे के साइड से स्पेस स्प्रे लेने की ट्राई करता हूँ, बट वो बंदा आ जाता है सामने वाले घर पे। तो मैं सोचता हूँ कि चलो एक नेट ट्राई करते हैं क्योंकि वो बंदा वहीं पे था। बट वो बंदा बार बार ऊपर के साइड जा रहा था और ऊपर नेट फेंकने का कोई मतलब एरिया था नहीं, तो उस बंदे से तो अपनी फाइट नहीं होती है। फिलहाल पीछे के साइड पर भी एक बंदा होता है। भाई इस बंदे को मतलब मैंने क्या ही डैमेज किया था, ऑलमोस्ट एक बुलेट का बचा हुआ था और इसका किल कोई और ले लेता है। और अब यहाँ पे क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल अब दूसरा जो बंदा है उसको मार रखा था, उसको मैं सोचता हूँ कि क्या पता बग्गी के पास हो तो स्प्रे लेता हूँ, बट हालांकि कुछ होता नहीं है तो मैं उसको इग्नोर करता हूँ क्योंकि ये जो पास वाले बंदे थे कभी भी क्लोजिंग हो सकते थे कर सकते थे। और वो जो पीछे वाला जिसको छोड़ा था वो आ जाता है पास में। अब देखो ये जो वेब शूटर है उससे आ जाता है छत पे मेरे, तो मुझे तो इतना पता था कि इससे तो मुझे कोई डर है नहीं क्योंकि ये मेरे ऊपर है तो डायरेक्ट तो अंदर आ नहीं सकता, अगर आएगा भी तो नीचे ही से आएगा। अब सीन यहाँ पे क्या था कि एकदम हील बैटल वाला टाइम हो गया था, देख सकते हो टाइम एकदम जीरो पे रुका हुआ है। तो मेरे पास हेल्थ वगैरह था नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि चलो नीचे के साइड जिसको मार रखा उससे उस पर स्मोक करके लूट लेते हैं। अगर हील बैटल हुआ तो मैं ऐसे ही मतलब हार जाऊँगा, तो थोड़ा सा रिस्क लेते हैं। हालांकि बंदे जो 4 बचे थे 3 सब यहीं पे थे, जिसमें से एक बंदा यूजी से दूसरे बंदे को मार देता है। अब कुल मिला के 3 बंदे बचे हुए थे जिसमें एक मैं था। और यहाँ पे मैं जितना हो सके हेल्थ बिटोर रहा था ताकि हिल बैटल हो तो मैं जीत जाऊँ। बट जैसे ही ऊपर आता हूँ छत वाले बंदे को सामने वाला बंदा मार देता और मैं इसको मार के यहाँ पे चिकन ले लेता हूँ। तो फिलहाल यही था गेम प्ले। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही जो चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, आज के लिए बाय।